इतनी बड़ी पॉपुलेशन है लाइक like मुस्लिम्स की तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रिलीजियस लीडर्स हैं जो कि सिर्फ एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं और अगर वो धर्म को थोड़े से मतलब क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन राइट कि आज के तारीख में इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा चलता है मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग रिलीजियस बुक्स तो रीड ही नहीं करते नहीं। जो उसका मीनिंग बताया जा रहा है उसके बेसिस पे लोगों को मिल रहा है तो इंस्टेड ऑफ लाइक क्रिएटिंग एक्सट्रीमिज्म एक्सट्रीमिस्ट व्यूज इंस्टेड ऑफ लाइक क्रिएटिंग रेडिकलाइजेशन अगर वही चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस hmm. किया जाए तो आई थिंक ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है लाइक like, मतलब ये जो सो बट ऑब्वियसली लाइक दिस इज़ जस्ट काइंड ऑफ एन ओटोपियन थिंकिंग राइट ये कभी बैलेंस नहीं होगा <coughs> बात यह है कि आपका एक ओपिनियन है मेरा एक ओपिनियन hmm. हम दोनों का नाम गौरव है हम दोनों एक कप कॉफ़ी पर बातचीत कर लें और आप बोलें कि ठीक है आपने जो बोला hmm. चलिए मैं थोड़ी आपकी बात मान लेता हूँ मैंने आपसे बोला ठीक है आप जो कह रहे हैं गौरव मैं आपकी बात मान लेता हूं तो क्या कहते हैं आपकी बॉम्बे की भाषा में मांडवली मांडवली <laughs> तो मांडवली हो जाती है है ना तब बातचीत करके लेन देन करके मामला खत्म हो जाता है अगर मैं बोलूं कि गौरव ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे मैं आपका मर्डर कर दूंगा और आप मुझसे बोलते हैं गौरव मैं भी यही कह रहा हूं आपको भाई मेरी बात नहीं मानी ना तो आई विल किल यू मैं आपका मर्डर फिर कहां बात होगी पाकिस्तान में इस्लाम के बेहतर फिर hmm. yeah. और हर एक बेहतर में से हर एक दूसरे दूसरे को काफिर कह रहा रहा है है। और दूसरे के मस्जिदों में अब रूम फॉर डिबेट एंड डिस्कशन आपने RDX ही लगा दिया hmm. तो फिर वहां पर क्विज थोड़ा ना चलेगी कि आप बताइए इसका मतलब क्या और इसका मतलब क्या है hmm. वो तो बटन दबाएगा और बटन दबा रहे हैं लोग एक दूसरे के म... भाई एक इनका हेट क्या है आपस में मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं इनका हेट क्या है बात सिर्फ शिया सुन्नी की नहीं है वो अहले हदीस अलग है वो बरेलवी अलग है पावर स्ट्रगल पे ही ये रिड्यूस हो चुका है ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है कि और आइडियोलॉजी से पावर गेन हो रही है हाँ मेरे अलावा मेरे अलावा हर दूसरा बदला काफिर है और क्योंकि वो काफिर है इसका मतलब वो वाजिब उल कत्ल है फॉर हिम टू किल्ड सो अरबी में एक फ्रेज है, so है क्योंकि राय नहीं रखता जो मैं रखता हूं दैट इज देर पाकिस्तान में यही देख रहे हैं आप इंडिया में नहीं है ये राइट राइट नहीं इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी काइंड ऑफ मतलब काफी ज्यादा एजुकेटेड कह सकते हैं इस, इस चीज को लेकर और इतना मुस्लिम्स का ये है कि Uh, जो डाइवर्सिटी uh, भारत में है हाँ इससे बहुत फर्क पड़ता है राइट right. uh, पाकिस्तान में डाइवर्सिटी नहीं है hmm. पाकिस्तान कहता है कि हम बड़े डाइवर्स मुल्क हैं इतना बिलान्द right. भर का पाकिस्तान है पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है मुझे नहीं समझ में आता लेकिन डाइवर्सिटी uh, भारत में है तो यहाँ पे हिंदू भी है मुसलमान भी है सिख भी है ईसाई hmm. है और मुझे हो सकता है मेरे मुस्लिम नेबर की कोई बात पसंद ना आए hmm. उसको मेरी कोई बात पसंद ना लेकिन हमें एक साथ रहना है hmm. तो हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करके कभी वो एडजस्ट कर लेता है कभी मैं एडजस्ट कर लेता हूं और हम लोग फिर एक एक हेलो हाय चलती रहती है फंडामेंटल right. 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 भी हमारा डेमोक्रेटिक right. है हाँ. पाकिस्तान में पाकिस्तान वो देश नहीं है hmm. वो भीड़ कल्ट कह सकते हैं हाँ हाँ और वहां पे वो पता नहीं बड़े अजीब से लोग हैं वहाँ पे आ, कुछ कुछ अच्छे भी है मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एक जैसे हैं लेकिन काफी हद तक अजीब लोग हैं बहुत अजीब हैं आप आ, उनकी वे ऑफ थिंकिंग से बड़ी लीनियर टाइप की उनकी वे ऑफ थिंकिंग है आप हाँ। That is because, uh, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स ही है जो कि एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग फैलाते हैं क्योंकि कॉमन हाँ। पब्लिक को यह सबसे दे, लेना देना नहीं है वो कॉमन इंसान यही सोचता है कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा करूँ अपनी फैमिली का टेक केयर करूं भाई साहब पाकिस्तान में तो ऐसा है कि अगर कोई बंदा लॉजिकल बात कर लेना हाँ। उसको इंटेलेक्चुअल का ठप्पा लगा देते हैं कोई हाँ। लॉजिकल अगर बात करे कोई यही कह इंटेलेक्चुअल आदमी यार बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में बड़ी जी ओके